फ्रेंड्स, आपने ये नोटिस किया होगा, कभी कभी डॉग खांसते रहता है। ऐसे खांसता है जैसे उसके गले में कुछ फंस गया है। वो हमेशा ऐसे खांसते रहता है जैसे गले में कुछ फंसा हुआ चीज़ को निकालने का कोशिश कर रहा है। बार बार खांसता है लेकिन वो गले में फंसा हुआ कोई चीज़ निकलता नहीं है। आप परेशान हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? आज हम लोग उसी विषय में चर्चा करेंगे। वो एक तरह का खांसी है और दो तीन तरह का खांसी होता है, उन सभी विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, डॉग में खांसी मूलतः तीन विषय कारणों से होता है। एक तो जैसे मैंने बताया कि जैसे गला में फंसा हुआ है वो इस तरह से करता है और उसके बाद वो खांस के उस चीज़ को या उस कफ को निकालने का कोशिश करता है। लेकिन वो जो खांसी है वो ट्रू कफ जो कहते हैं वो नहीं है। दूसरे तरह का खांसी होता है जिसमें खांसता वस्ता तो कुछ नहीं है लेकिन उसके नाक से मुंह से पानी निकलता रहता है, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। और तीसरे तरह का खांसी है जो रियल कफ है, जिसमें वो छींकता हुआ नज़र आता है बार बार। डॉग जो छींकता है वो असल में खांसी है। तीनों तरह के खांसी के बारे में चर्चा करेंगे और उसकी दवाइयाँ भी बताएंगे। तो पहला जो खांसी है जिसमें लगता है कि गले में कुछ फंस गया है, उसको बार बार निकालने का जो प्रयास करता है, वो खांसी असल में टिक्स के कारण होता है। बॉडी में जब टिक्स रहा होगा, टिक्स जब रहता है, मज़े की बात है कि जब टिक्स रहता है तब ये नहीं होता है। टिक्स जब बॉडी से चला जाता है आपके कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद, तब ये होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग तो जो वेटरिनेरियन है वो ये लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं कि टिक्स तो नहीं था। तो इसमें जो है हम लोग इसका जो दवा देते हैं दैट इज़ कॉल्ड डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन का 100 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम का डोज आता है, डॉक्सीपेट के नाम से आता है, टेट्राडॉक्स के नाम से आता है। वो अगर देंगे तो ये ठीक हो जाता है। तो ये तो खैर आपके वेट्स डिसाइड करेंगे, मैंने बता दिया कि क्या किया जाता है। मतलब खांसी हो रहा है लेकिन हम लोग खांसी का दवा नहीं देखे, दिए टिक्स का दवा, मैं डॉक्सीसाइक्लिन, उससे ठीक हो जाता है। वो एक एंटीबायोटिक भी है। ये तो हो गई पहले तरह का खांसी की बात। दूसरा जो खांसी है, नाक से मुंह से पानी आना, खांसता उतना नहीं है लेकिन कभी कभी खांसता है, लेकिन नाक से मुंह से पानी एकदम आते रहता है। इसमें ओनर कंप्लेन करता है, देखिए ना डॉक्टर साहब, ये जो है मेरे डॉग के मुंह से कंटिन्यूस लार गिर रहा है। एक्चुअली में लार वार की नहीं गिर रहा है, वो गिर रहा है कफ, लगता है जैसे कि लार गिर रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये तब होता है, इसको हम लोग कहते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। ये तब होता है जब डॉग ओनर डॉग को कोई दूध या कोई तरल पदार्थ या कोई दवा सिरिंज में लेके मुंह में मारते हैं। आप तो ये बहुत ही गलत तरीका है, काफ़ी सारे डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं लेकिन ये है गलत। उससे क्या होता है, सिरिंज में कोई भी स्प्रे करेंगे मुंह के अंदर तो वो पेट में नहीं जाएगा, वो जाएगा लंग्स में। आप खुद इमेजिन कीजिए, ऐसे करके अगर हमारे अपने मुंह के अंदर तो कहाँ जाएगा, दैट विल गो टू द लंग्स। तो वो लंग्स में जाता है, उसमें निमोनिया कॉज करता है जिसके कारण डॉग परेशान रहता है और ये कफ होता है। इसीलिए मैंने कुछ दिन पहले लिखा कि डॉग को कोई भी दवा सिरिंज से ना दें। तो ये हो गया, ये एक बहुत ही कॉमन टाइप का खांसी है। और इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए लेकिन आपको एक्सटेंसिव जो है दवाइयाँ देने पड़ेगी। जैसे समझिए कि इसमें अगर इस तरह का खांसी हो जाता तो फर्स्ट हम लोग जो करते हैं उसे नेबुलाइज करते हैं, मतलब भाप देते हैं। एक मशीन रहता है ना नेबुलाइज़र, नेबुलाइज़र से उसको भाप देते हैं। उससे क्या होता है कि लंग्स वगैरह पूरा जो है क्लियर होता है। वो तो खैर डॉक्टर ही कर सकते हैं या अपने भी कर सकते हैं, लेकिन नेबुलाइज़र तब खरीदना पड़ेगा। उसके बाद एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इसमें दिया जाता है, जैसे कि सिप्लोक्स हुआ या कोई भी तरह का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, बढ़िया एंटीबायोटिक दिया जाता है। और इसके साथ ही साथ हम लोग एक और दवा देते हैं जिसको कहते हैं कोडेन फॉस्फेट। क्या होता है ना कि इस तरह के डॉग में ना बेचैन ही रहता है, डॉग बेचैन रहता है हमेशा, वो रात में सो नहीं पाता है कष्ट की वजह से।
तो उसको कष्ट को राहत देने के लिए हम लोग कोडेन फॉस्फेट का सिरप देते हैं। ये भी एक प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है, आप ऐसा नहीं कि कोडेन फॉस्फेट लेने चले जाएंगे। कोडेन फॉस्फेट असल में एक नशे की दवा भी है, तो वो जो है कोई तो देगा नहीं, देगा भी तो बहुत जांच पड़ताल करके ही कोई फार्मासिस्ट आपको ये दवा देगा, ठीक है ना। तो ये जो है इस तरह का निमोनिया जिसको एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं, ये हो गया ह्यूमन क्रिएटेड। अब आते हैं तीसरे टाइप का खांसी के बारे में। तीसरे टाइप का खांसी जो ट्रू खांसी है, जो कि ठंड लगने की वजह से खांसी होता है, कफ जम जाता है, बलगम जम जाता है, तो वो तीसरे तरह का जो खांसी है, जो ट्रू खांसी है, उसमें कफ होता है, वो डॉग जो है परेशान परेशान रहता है, और ख़ास करके छोटे मुंह वाले जो डॉग हैं, स्नाउट वाले, कौन है वो, पग में भी होता है, और इसमें होता है ये जो क्या कहते हैं मैस्टिफ, इंग्लिश मैस्टिफ, ये सब में बहुत ज़्यादा होता है। उससे क्या होता है ना, उसका जो है नाक का जो ओपनिंग है बहुत छोटा रहता है, आपने देखा होगा, बहुत पतला सा छोटा सा होता है, जिसके कारण उसे क्या होता है ना, इस तरह का कफ होने से ही उसको दमा का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, काफ़ी सारे पग का मृत्यु भी हो जाता है इसी वजह से। तो इसमें इसीलिए काफ़ी सारे अभी तो चला हुआ है ना, वो क्या कहते हैं कि अभी पग के ब्रीडिंग पर बैन लगा हुआ है UK वगैरह में, इसी वजह से कि काफ़ी दर्दनाक मौत होता है इसमें। तो खैर, इसमें जो है इसमें भी हम लोग ट्रीटमेंट के लिए भाप देते हैं वो नेबुलाइज़र के साथ, वो अगर हो सके तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग बोलते हैं विक्स, एक जो है एक मग गर्म पानी लेके उसके अंदर में विक्स डाल के और उसको भाप जो अगर देंगे तो वो रिलीफ होगा उसके कफ से। वो भी कभी कभी डॉग जो है बहुत बदमाश टाइप का होता है, बहुत नटखट होता है, तब वो जो है भागते रहता है, इसे करने नहीं देता है, तब हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी परिस्थिति में आप जो है डॉग को या पग को या कोई भी डॉग हो उसको एक रूम जैसे गीजर लगा हुआ बाथरूम में ले जाइए, खिड़की दरवाज़ा बंद कर लीजिए, आधा बाल्टी गर्म पानी निकालिए गीजर से, उसके बाद जो है उसमें एक ड्रॉप ये कार्बोल दे दीजिए, कार्बोल प्लस आता है या विक्स आता है, जो भी देना हो दे दीजिए, दे के डॉग को उसी में 5 मिनट या 10 मिनट रखिए, वो भाप जो जमेगा जो बाथरूम में रहेगा उससे उसका इनडायरेक्टली उसके शरीर फेफड़े में जाएगा, वो उसको ठीक करेगा। तो इससे आपका डॉग जो है पग है जो भी है वो ठीक हो जाएगा। काफ़ी सारे बड़े नस्लों में होते हैं, लैब्राडोर जर्मन शेफर्ड में भी होता है, ऐसा नहीं है कि पग में ही होता है। और इसके अलावा फिर एंटीबायोटिक तो देना ही देना है, कफ सिरप देना ही देना है, और इसके अलावा कोडेन फॉस्फेट जो बताया वो भी देना ज़रूरी है इसमें, उससे देने से ही उसको रिलीफ होगा, वो चैन से रहेगा। इसके अलावा जो है डॉग को और भी एक हम लोग देते हैं, जैसे कि समझ लीजिए कोई कफ से पीड़ित है तो उसे जो है हम लोग राहत के लिए कुछ एनजीओ केयर नाम का एक दवा आता है, वो डाबर कंपनी का हिमालयन ड्रग्स का है वो, और एनजीओ केयर देंगे तो वो क्या होना कि चैन से रात में सो पाएगा, ये आपके वेट देंगे, मेरा इसमें कहना सही नहीं होगा, तो आप वेट से ज़रूर कंसल्ट करेंगे, वो बताएंगे कि कौन कौन सी दवा खांसी में दिया जाए। तो ये सभी दवाइयाँ देने पर इस सिचुएशन में आपका डॉग का जो खांसी है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए, इलाज कोई भी कर सकता है, कोई भी डॉग ओनर आराम से इलाज कर सकता है, लेकिन डायग्नोसिस कि डॉग को कौन सा खांसी हुआ है ये सिर्फ वेटरिनेरियन कर सकता है, वो कोई आप नहीं कर पाएंगे सिम्टम से। तो उसके लिए डायग्नोसिस के लिए वेटरिनेरियन के पास आपका जाना ज़रूरी है। फिर भी अगर वेटरिनेरियन नहीं है तो ये सब नुस्खे आप अपना सकते हैं, लेकिन वही जैसे भाप देने का इस तरह का चीज़ है, वो ऐसा नहीं कि कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर लीजिए। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।